प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और पी क्यू और पी आर ये दो टेंजेंट्स हैं ड्रॉन फॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी पी पॉइंट से पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और हमें प्रूव करना है कि एंगल P प्लस एंगल आर ओ क्यू इनका सम 180 डिग्रीज है तो हमें गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड पी क्यू पी आर टेंजेंट्स फ्रॉम P एंड टू प्रूव एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड एटी डिग्रीज हमें इन दो एंगल्स का सम वन हंड्रेड एटी डिग्रीज बताना है सबसे पहले तो एंगल वन और एंगल टू नाइन्टी डिग्रीज ईच हैं क्योंकि टेंजेंट इज पर पेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और उसके बाद हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी इन्हें क्वार्डिलेटर लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सो सबसे पहले हमें एंगल वन और एंगल टू को नाइन्टी डिग्रीज बताना है बिकॉज टेंजेंट इज पेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये टेंजेंट है ये रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसलिए एंगल वन नाइन्टी डिग्रीज है और यहाँ पर पी क्यू टेंजेंट है ओ क्यू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसलिए एंगल टू नाइन्टी डिग्रीज है अब इन चारों में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे सो पी आर ओ क्यू अब ये क्वार्डिलेटरल है और इसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्रीज है इसमें हम एंगल वन को 90 डिग्रीज और एंगल टू को 90 डिग्रीज पुट कर देते हैं ये नाइन्टी नाइन्टीज दूसरी तरफ चला जाएगा और एंगल पी प्लस एंगल आर ओ क्यू वन डिग्रीज आएगा और यही हमें लाना था सो so, ये बहुत आसान है इस तरह के क्वेश्चंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं वन मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जैसे कि ये सेवेंटी दे, दे देंगे और पूछेंगे ये एंगल कितना है तो इन दोनों का सम वन हंड्रेड डिग्रीज होता है तो ये हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज हो गया इस तरह से आप आंसर दे पाएंगे